हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में बताऊंगी। अभी तक आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन एज ए साइकोसोशल टेक्निक पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसे डेटा कलेक्शन कैसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ाएंगे जो कि ऑब्जर्वेशन का ही एक टाइप है, लेकिन अब यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो फोकस्ड है, दैट इज़ फोकस्ड ओनली ऑन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? इट वॉज यूज एक्सटेंसिवली बाय फ्रैंक हैमिल्टन कुशिंग इन हिज स्टडी ऑफ द ज़ूनी इंडियंस इन द लेट 19th सेंचुरी। द रिसर्चर इंगेज इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ट्राइज टू लर्न वॉट लाइफ इज़ लाइक फॉर एन इनसाइडर वाइल रिमेनिंग इनएविटेबली एन आउटसाइडर। इसी लाइन में इसकी डेफिनेशन है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वो ग्रुप के अंदर रह के ये फील करता है कि जो इन ग्रुप मेंबर्स हैं वो क्या फील करते हैं, जबकि वो इनएविटेबली आउटसाइडर है, मतलब वो ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन वो ग्रुप के मेंबर के साथ में रह के उनके साथ में पार्टिसिपेट करके उन्हीं की तरह लाइफ स्टाइल जी के ये फील करता है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में रहने वाले जो इन ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, मतलब जो इनसाइडर्स हैं हाउ डू दे फील अबाउट देयर ग्रुप, या हाउ डू दे फील अबाउट द कल्चर एंड डिफरेंट नॉर्म्स एंड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ देयर पर्टिकुलर ग्रुप। द रिसर्चर वॉचेज द पीपल ही इज स्टडिंग टू सी वॉट सिचुएशन दे ऑर्डिनरीली मीट एंड हाउ दे बिहेव इन देम। He enters into conversation with some or all the participants in these situations and discovers their interpretations of the event he has observed. This is according to the Becker. Becker has defined that in the participant observation, the researcher remains in the group as the group member and he monitors all the activities of the in-group members and tries to conclude the behavioral pattern of that particular group in which he is acting as a participant member. तो participant observation की definition के बारे में अगर हम consolidate करके कुछ कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि participant observation एक इस type का observation है जिसमें जो researcher है वो inevitably ग्रुप का पार्ट तो होता है लेकिन वो आउटसाइडर भी होता है एट द सेम टाइम। ग्रुप के अंदर रह के वो ग्रुप के मेंबर्स की फीलिंग्स को स्टडी करता है, उनकी तरह रहने की कोशिश करता है, उनके नॉर्म्स को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को सीखने की और एसिमिलेट करने की कोशिश करता है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट को परसीव करता है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर इज़ नेसेसरीली अ पार्ट ऑफ द ग्रुप बींग स्टडीड। अब इसके कई टाइप के मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पहला है इनफॉर्मल इंटरव्यू। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो फर्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं वो इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, मतलब इनफॉर्मल इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू की तरह पहले से कुछ प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। इसमें कुछ इंटरव्यू के जैसे क्वेश्चंस, जैसे अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ में क्वेरीज हैं या हमारे कुछ अपने क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में हम किसी ग्रुप मेंबर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये एक टाइप का इनफॉर्मल इंटरव्यू टाइप का होता है। दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। इसमें ऑब्जर्वेशन हम डायरेक्ट टर्म क्यों दे रहे हैं, क्योंकि चूँकि इसमें जो रिसर्चर होता है वो उसी ग्रुप का एक पार्ट होता है, तो इसलिए वो सीधे तौर पर ग्रुप मेंबर की एक्टिविटीज़ को वॉच कर सकता है। थर्ड मेथड है पार्टिसिपेशन इन द लाइफ ऑफ द ग्रुप। तो इसमें जो ग्रुप मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्राइब है, उसका क्या कल्चर है, उनकी पर्सनालिटी वैसी क्यों बनती है जैसे वो लोग हैं, अगर इन सब चीज़ों को स्टडी करना है तो हमें उनके ग्रुप में एज अ ग्रुप मेंबर रहना पड़ेगा, बहुत बार उनकी नॉलेज के बगैर और कभी कभी उनके नॉलेज के साथ भी कि हम इनके ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसमें पार्टिसिपेशन उस ग्रुप में कंपलसरीली होता है जिस ग्रुप को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। फोर्थ है कलेक्टिव डिस्कशन।
कलेक्टिव डिस्कशंस में हम एक टॉपिक दे देते हैं और उसमें जो ग्रुप है जिसको हम स्टडी करना चाह रहा है उनसे उनके एडवाइजर्स, उनके ओपिनियंस और उनकी राय मांगते हैं। ये एक टाइप का डिस्कशन फोरम की तरह काम करता है। कलेक्टिव इसलिए क्योंकि ये ग्रुप में होता है, तो कलेक्टिव डिस्कशन इज़ ऑल्सो अ मैथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ है एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ग्रुप। जो ग्रुप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो हम ग्रुप मेंबर्स की या जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे बना है, ग्रुप का फॉर्मेशन क्या है, ग्रुप मेंबर्स की नीड्स क्या हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, अगर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम अच्छी तरीके से पढ़ें और पढ़ने के बाद उन्हें एनालाइज करें तो हमें ग्रुप स्ट्रक्चर और ग्रुप फॉर्मेशन के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने में आसानी होगी। सिक्स है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू इसमें कई पार्ट होते हैं सेल्फ एनालिसिस के, जैसे कितने टाइप से हम सेल्फ की एनालिसिस कर सकते हैं। फुल ऑफ अगर हम किसी फ्रेंड को एनालाइज करना चाहें तो उस फ्रेंड का इंटरप्रिटेशन हमारे लिए क्या है, इसके लिए हम अपनी सेल्फ एनालिसिस करेंगे। जैसे फुल ऑफ ग्रेट एडवाइस, अगर हम किसी फ्रेंड को जज कर रहे हैं तो इस कॉन्टिन्यूम पर जज करेंगे कि वो हमें कितनी अच्छी एडवाइस देता है, नहीं देता है, या हमारे लिए कितना वार्म है, या हमेशा मेरे लिए कितनी बार स्टैंड उसने लिया, या हमारा वेल विशर है कि नहीं। इस टाइप से जो हम सेल्फ एनालिसिस के थ्रू किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं वो भी एक मेथड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। सेवेंथ मेथड है इसका रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिविटीज़ अंडरटेकन ऑफ और ऑनलाइन। जो ऑफलाइन अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं रियल वर्ल्ड में और जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, उनकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना और उन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट क्या निकला है उसके बेसिस पर हम किसी निष्कर्ष पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि इस ग्रुप में जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके ग्रुप के स्ट्रक्चर्स को हम ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एट इज़ लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, इसमें डिफरेंट जो ग्रुप मेंबर्स हैं अगर वो किसी एक टाइप से लाइफ अपनी लीड कर रहे हैं तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ भी हो सकती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ भी हो सकती हैं। इसमें लाइफ हिस्ट्रीज़ को हम स्टडी करते हैं कि किस टाइप से आदमी ग्रो करता है, मतलब डिफरेंट एजेस पे, एज 1, एज 10, एज 18, एज 31, एज 75 एंड लेटर ऑन। तो इस टाइप से बाय द टाइम प्रोग्रेशन ऑफ आवर एज हम किस टाइप से स्टेप्स लेते हैं और क्या क्या हमारी लाइफ स्टाइल्स होती हैं, इनको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। तो लाइफ हिस्ट्रीज़ जो होती हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर इसकी डिफरेंट टाइप की स्टेजेस होती हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू हॉबल देयर आर बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 इज एस्टैब्लिशिंग रैपो और गेटिंग टू नो द पीपल। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड ये आपके एक्सपेरिमेंट और टेस्ट की भी नेसेसरी कंडीशन होती है कि बिफोर यू स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट और टेस्ट यू हैव टू फॉर्म अ गुड रैपो विद द सब्जेक्ट। रैपो बिल्डिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक हम किसी से बहुत यूज्ड टू नहीं होंगे, बहुत फैमिलियर नहीं होंगे, उसके साथ हमारी बातचीत एक कंफर्टेबल जोन पे नहीं होगी, वी वॉन्ट बी एबल टू गेट रिजल्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जब तक वो इंडिविजुअल मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, हम उससे किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाएंगे। जो पहला मेथड बताया था इनफॉर्मल इंटरव्यू, तो जब हम इनफॉर्मल इंटरव्यू में जाते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेज यही है रैपो बिल्डिंग वाली, क्योंकि जब तक सामने वाला इंडिविजुअल हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, वो अपने बारे में या अपने से रिलेटेड दूसरे ग्रुप मेंबर्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। सो इस्टैब्लिशिंग रैपो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज़ इमर्सिंग वन सेल्फ इन द फील्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इन द फील्ड का मतलब है कि आप जिस टाइप के सर्कमस्टांसेस में हैं, जिस टाइप के ग्रुप में आप रह रहे हैं, उनके लोकल हैबिट्स को आपको एसिमिलेट करना पड़ेगा, आपको अपनाना पड़ेगा। उनके कल्चर्स क्या हैं, उनके डायलेक्ट्स क्या हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज क्या है, इन सब चीज़ों को
इमर्स करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी के अंदर में, तभी आप उस ग्रुप के पार्ट हो पाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे ऑड वन आउट लगेंगे। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लिए जो सेकेंड स्टेज है, दैट इज़ इमर्सिंग वन सेल्फ इन द फील्ड। थर्ड इज़ रिकॉर्डिंग डेटा एंड ऑब्जर्वेशन। तो जब ये दो स्टेजेस आपकी हो जाती हैं, आपका रैपो बिल्डअप हो गया, ग्रुप के मेंबर के रूप में आप इस्टेब्लिश हो गए, लोग आपके साथ फैमिलियर हो गए, फिर आप उन्हीं के रंग में रंग गए, उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो रिकॉर्डिंग डेटा एंड ऑब्जर्वेशन वाली आती है। तो उसमें आप उस समय क्या उनके बीच में ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आपने कुछ पहले से स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या डेटा कलेक्शन किया, उसका एक टेबुलर फॉर्म में हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। फोर्थ है कंसोलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड। इस टाइप से ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमने जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर की है उसको हम कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट का मतलब, जैसे हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो मतलब डिफरेंट सिचुएशन में हमने जो जो ऑब्जर्वेशन किए, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम उस ग्रुप के स्ट्रक्चर या उस ग्रुप के करैक्टरिस्टिक या फॉर्मेशन के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये कई टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं। पहला है पैसिव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पैसिव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर इज़ ओनली इन द बाईस्टैंडर रोल and it but it limits ability to establish rapport and immersing oneself in the field। मतलब इसमें जो, इसीलिए इसे पैसिव कहा गया है, पैसिव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो सिर्फ बाईस्टैंडर रोल में होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को उनके रंग में रंग नहीं पाता, उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से एसिमिलेट नहीं हो पाता है। सेकेंड है moderate participation। in this type of participation researcher maintains a balance between insider and outsider roles। वो balance बना के रखता है as a insider, मतलब as a group member, और वो at the same time outsider भी है। and this type of participant observation allows a good combination of involuntary and necessary detachment to remain objective। तो ये हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी है एंड जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन है उसको इंक्रीज कर देता है। थर्ड है हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन। इन दिस रिसर्चर बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ग्रुप बाय फुली एम्ब्रेसिंग स्किल्स एंड कस्टम्स फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन। एंड इन दिस मैथड इट इज़ परमिटेड टू बिकम मोर इन्वॉल्व इन द पॉपुलेशन एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ गोइंग नेटिव एज द रिसर्चर स्ट्राइव फॉर एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉपुलेशन स्टडीड। तो इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो ऑब्जर्वर है वो पूरी अच्छी तरीके से ग्रुप के नॉर्म्स को अपने में एसिमिलेट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगता है। लेकिन इसका जो एक लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि इसमें फिर जो ऑब्जर्वर होता है उसके जो सब्जेक्टिव बायसेस होते हैं वो उसके ऑब्जर्वेशन को नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ इसका मेथड है कंप्लीट पार्टिसिपेशन। कंप्लीट पार्टिसिपेशन, रिसर्चर इज़ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इन द पॉपुलेशन ऑफ स्टडी बिफोर हैंड, दैट इज़ ही और शी इज़ ऑलरेडी अ मेम्बर ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन स्टडी। And but there is a risk of losing all levels of objectivity, thus risking what is analyzed and presented to the public। इसमें वही चीज़ है जो active participant observation में है, लेकिन यहाँ पर उसकी degrees बढ़ जाती हैं। active participation में active participation होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। complete participant observation में जो observer होता है वो कम्प्लीटली उन्हीं के नॉर्म्स में और उन्हीं की वैल्यूज़ को इतना कम्प्लीटली एसिमिलेट कर लेता है कि जो एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट के अपने बायसेस होते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर के लिए पॉजिटिविटी या निगेटिविटी या कुछ उसके अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ या जो नॉर्म्स होते हैं वो निगेटिवली या पॉजिटिवली हमारे जो ऑब्जर्वेशन के रिकॉर्ड्स हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ की एलिमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू डेवल्ट एंड डेवल्ट देयर आर सम टाइप्स ऑफ
key element of participant observation. Number one is living in the context in the extended period of time. Number two, learning and using local language. Number three, active participation is made range of daily and extraordinary activities. Number four, using everyday conversation as an interviewing technique. Number five, informally observing during leisure activities. Number six, recording observation as field notes. Number seven, using board tactics and explicit information in analysis and writing. So these are the key elements of participant observation, जो कि starting से जो methods थे इसके या जो इसके टेक्निक्स थी या जो इसके टाइप थे, इन सारे टाइप्स में या जितना भी आपको अभी तक हमने आउटलेट बताया है उनमें इन्हीं सारे की एलिमेंट्स को फोकस किया गया है। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को जब हमने पूरी तरीके से जान लिया, इसके मेथड्स क्या हैं, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या इनके बेसिक टेनेंट्स क्या हैं, इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्यों करते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं। पहला है इसका मेरिट, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, चूँकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर होता है वो खुद ही उसका एक एक्टिव मेंबर बन जाता है, जिसकी वजह से उसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है इंडिविजुअल के बिहेवियर एंड ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में। नंबर टू इज़ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्यों, क्योंकि जब हम किसी ग्रुप में रह रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को, उनके कल्चर को, उनके नॉर्म्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता है तो दूर से हम किसी के ग्रुप को उतनी अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर सकते हैं जितना उस ग्रुप का मेंबर बन के हम उसके फंक्शनिंग को स्टडी कर सकते हैं। नंबर थ्री इज़ नेचुरल नॉन आर्टिफिशियल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये चूँकि लैब एक्सपेरिमेंट की तरह कोई ऐसे नहीं होते हैं जो आर्टिफिशियल सिचुएशन में हों और हम बहुत कंट्रोल सप्लाई करते हैं जिनमें, ये नेचुरल होते हैं, इसीलिए इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो बिहेवियर हमें स्टडी करना है उसी बिहेवियर को उसके नेचुरल हैबिटेट में हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है और उसकी वजह से जो उनके नेचुरल बिहेवियर होते हैं उनको हम स्टडी कर पाते हैं। नंबर फोर्थ, रिड्यूसेस रिएक्टिविटी, दैट इज़ पीपल चेंजिंग बिहेवियर बिकॉज दे आर बीइंग वॉच्ड। रिएक्टिविटी क्या होती है, जैसे आर्टिफिशियल सिचुएशन में हम सब्जेक्ट को लैब में बुलाते हैं, उसे कहते हैं मैं तुम्हें थोड़ा इस टाइप का काम दूंगी, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम्हें जवाब देने हैं, तो इसमें एक सब्जेक्ट के दिमाग में एक मेंटल सेट बन जाता है कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है या मुझसे कुछ काम कराए जाने वाला है, तो वो उसमें कुछ अपने जो आर्टिफैक्ट वाला फैक्टर है कि उसमें कुछ उसके मैनिपुलेशंस काम करने लगते हैं। वो गेस करने की कोशिश करता है कि सब जो एक्सपेरिमेंटर है, जो रिसर्चर है, वो मुझसे क्या जानना चाह रहा है, और वो अपनी गेसिंग के बेसिस पर अपने रिस्पॉन्सेस को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। तो जो ये रिएक्टिविटी होती है ये हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड में नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को बहुत बार ये पता ही नहीं होता है कि ही और शी इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड या बीइंग स्टडी। नाउ लिमिटेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर वन, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए कि इसमें जो रिसर्चर है उसको अपने सारे काम छोड़ के जितने दिन के लिए भी उसको ग्रुप की फंक्शनिंग, ग्रुप के स्ट्रक्चर, ग्रुप के फॉर्मेशन, ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना होता है, उतने दिन उसको अपने कम्प्लीटली उस ग्रुप में ही स्पेंड करना पड़ता है। नंबर टू, नीड्स स्किल्ड ऑब्जर्वेशन। स्किल्ड ऑब्जर्वर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्किल नहीं होगा तो जो एक्सपेरिमेंटर के अपने पर्सनल बायसेस हैं, जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स के नाम से जानते हैं, उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो जो उसका ऑब्जर्वेशन होगा दैट विल नॉट रिमेन ऑब्जेक्टिव। द सब्जेक्टिव बायसेस ऑफ द रिसर्चर माइट पॉजिटिवली और इन नेगेटिवली एक्सपेंड और इन्फ्लेट द रिस्पॉन्सेज। नंबर थ्री इज़ इफ़ डन पुअरली मे अफेक्ट बिहेवियर ऑफ द ग्रुप। बिहेवियर ऑफ द ग्रुप को ये नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर वही रिएक्टिविटी वाली बात आ जाती है, अगर सब्जेक्ट को पता चल गया, अगर ग्रुप मेंबर्स को पता चल गया कि ये
इंडिविजुअल हमको ऑब्जर्व करने के लिए आया है तो उनमें रिएक्टिविटी डेवलप हो जाती है, मतलब वो फिर गेस करने लगते हैं कि हमसे क्या एक्सपेक्टेड है क्या नहीं एक्सपेक्टेड है, उसी के अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्सेज देने लगते हैं। एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स जो रिसर्चर के अपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड बायसेस होते हैं या जो उसके अपने नीड्स एंड मोटिव्स और ड्राइव्स होते हैं जो वो निगेटिवली या पॉजिटिवली हमारे ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ दे आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट। नंबर फिफ्थ इज लिटिल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, जो इसकी मेरिट थी कि ये फ्लैक्सीबल है। फ्लैक्सीबल का क्या मतलब है कि इसमें सिचुएशन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हम नेचुरल सिचुएशन में हम किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो फ्लैक्सीबिलिटी तो बहुत है, वहाँ पे रिएक्टिविटी के भी कोई चांसेस नहीं है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमारा सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। नंबर सिक्स, नंबर नॉट लार्ज इनफ टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, हम जिस ग्रुप को स्टडी करते हैं वो नेचुरली बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो उनकी फंक्शनिंग को उसके स्ट्रक्चर को हम उतनी अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए उतने कैपेबल नहीं होंगे। तो जो नंबर है, नंबर ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, वो उतना लार्ज नहीं होता है जिसके बेसिस पर हम उनके ऊपर के इस स्टडी के ऑब्जर्वेशन को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करते हैं, क्योंकि जो हमारा सैंपल होता है पॉपुलेशन के जितना क्लोज़र होता है जनरलाइजेशन के चांसेस उतने ही अच्छे होते हैं और जनरलाइजेशन उतना अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर कम होता जाता है, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन और सैंपल में डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी जो पावर ऑफ जनरलाइजेशन है ये रिड्यूस होती जाती है। तो जिस सैंपल में या जिस ग्रुप के हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बन रहे हैं उस ग्रुप का साइज़ इतना नहीं होता है जिसके बेसिस पर हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।